महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर करवट ले सकती है। बीते दिनों आजाद मैदान में आयोजित महारैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत कर दी है। मनसे कार्यकर्ताओं के हाथ में भगवा रंग के नए झंडे के बीच राष्ट्रवाद राज ठाकरे ने हिंदुवादी और राष्ट्रवादी पार्टी के विकल्प के रूप में अपने को पेश किया। इस दौरान उन्होंने खुलकर केंद्र और मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए CAA का समर्थन किया और शिवसेना को संकेत दे दिया कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना का विकल्प मनसे ही है। मनसे का ये रंग देखकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी छटपटाहट छुपा नहीं पाए और राज ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि शिवसेना को अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए झंडा बदलने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी मोर्चे में सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन के चलते उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है, इसलिए उद्धव की स्थिति महाराष्ट्र सरकार में सांप और छछुंदर जैसी हो गई है। शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन BJP को छोड़कर कांग्रेस और NCP के साथ जाने से उनकी सियासी जमीन कमजोर हुई है। अगर शिवसेना अभी भी सत्ता सुख के लिए गठबंधन में शामिल रही तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बोलबाला होगा, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह से अपने आप को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं उससे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। शिवसेना की नींव जिस विचारधारा पर रखी गई थी उससे वो भटक चुकी है और अब राज ठाकरे उन्हीं विचारधारा को अपनाकर खाली हुई जगह को भरना चाहते हैं। ऐसे में शिवसेना को डर है कि अगर राज ठाकरे इसी अंदाज से आगे बढ़ते रहे तो कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना कहीं गुम न हो जाए, इसलिए समय समय पर उद्धव ठाकरे बताते रहते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। बहरहाल अब जनता को तय करना है कि अब उन्हें शिवसेना के हिंदुत्व पर कितना भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।